न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। मुस्लिम मतदाताओं में गडकरी की सेंध, सुपारी किलिंग में गढ़चिरौली को बड़ा व्यापारी है मास्टरमाइंड। मोदी 3.0 से विकसित भारत के लिए नए सुधारों की शुरुआत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुस्लिम मतदाताओं में गडकरी की सेंध, भाजपा के नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव 2024 में नागपुर के मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी सेंध लगाई है। नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मुस्लिम बहुल मतदाताओं वाले बूथों के आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार नितिन गडकरी पर 16,000 से अधिक मुस्लिम मतदाताओं ने भरोसा दिखाया है। शहर के करीब 165 मुस्लिम बहुल मतदाताओं वाले बूथों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें नितिन गडकरी को करीब 16,417 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे अधिक वोट उत्तर नागपुर और इसके बाद मध्य नागपुर में मिलता दिखाई पड़ रहा है। वही मुस्लिम बहुल मतदाताओं वाले इन 165 बूथों पर कांग्रेस के विकास ठाकरे को 7609 मिले हैं। मतलब यहाँ कांग्रेस की तुलना में भाजपा को करीब 22% वोट मिले हैं। यह आंकड़ा भाजपा के प्रति मुस्लिमों में सकारात्मक बदलाव माना जा सकता है। संभवतः आगामी निकाय चुनावों में भाजपा की नजर मुस्लिम उम्मीदवारी को बढ़ावा देने की भी रहे। उल्लेखनीय है कि इस बार भाजपा की बजाय नितिन गडकरी के नाम पर मुस्लिमों से वोट मांगने की पहल नजर आई थी। प्रचार के दौरान सारंग गडकरी का इस तरह का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। मुस्लिमों इलाकों में बड़े पैमाने पर सभाएं भी ली गई थी। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। सुपारी किलिंग में गढ़चिरौली का बड़ा व्यापारी है मास्टरमाइंड। 300 करोड़ की संपत्ति हथियाने के लिए ससुर की सुपारी देकर हत्या करवाने वाले अर्चना पट्टीवार द्वारा गढ़चिरौली के एक बड़े व्यापारी की मदद से योजना को अंजाम दिए जाने का पता चला है। इस प्रकरण की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम की गढ़चिरौली के वड़सा में सक्रिय इस प्रॉपर्टी डीलर के संपर्क में होने की चर्चा से मामले की सच्चाई सामने नहीं आ रही है। इससे पट्टीवार हत्याकांड को सामने लाने वाले परिजन चिंतित है। ज्ञात हो कि 82 वर्षीय पुरुषोत्तम पट्टीवार की हत्या के लिए 22 मई को मानेवाड़ा मार्ग पर कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को दुर्घटना मानकर अजनी पुलिस ने चालक नीरज निमजे को जमानत भी दे दी थी। पट्टीवार के भाई द्वारा हत्या की शिकायत किए जाने के बाद नए सिरे से जांच की गई। इसमें पट्टीवार की पुत्रवधु अर्चना पट्टीवार द्वारा ड्राइवर सार्थक बागड़े के माध्यम से नीरज निमजे और सचिन धार्मिक से ससुर की हत्या कराए जाने का खुलासा हुआ। अर्चना ने हत्या के लिए 5 लाख नकदी तथा 10 लाख के गहने अग्रिम दिए थे। अर्चना 3 साल से गढ़चिरौली में नगर रचना सहायक संचालक पद पर कार्य थे। आई बढ़ते अगली खबर। मोदी 3.0 से विकसित भारत के लिए नए सुधारों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के साथ भारतीय उद्योग जगत ने सोमवार को उम्मीद जताई कि नई सरकार विकसित भारत के लिए सुधारों के अगले चरण की शुरुआत कर सकती है। कई कॉरपोरेट हस्तियों ने एक्स पर बधाई संदेश पोस्ट किए। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई मील के पत्थर पार किए हैं। हमें विश्वास है कि देश अपने उल्लेखनीय विकास पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। नया कार्यकाल विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होगा, महिंद्रा समूह के चेयरमैन। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब आपको चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।